वेलकम बैक गेजो बैगवेंचर मेडिकल जहाँ पे हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में सो so गाइस देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन uh, क्या है सो so गाइस आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है यूथेनेजिया तो देखते हैं यूथेनेजिया में होता है क्या तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन तो देखते हैं इन्फिक्शन ऑफ पेनलेस डेथ टू अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर इनक्यूरेबल पेन और डिसीज सपोज एक पर्सन जो है जो कि एक uh, पेनफुल हाईली पेनफुल डिसीज से सफ़र कर रहा है जो कि अनक्यूरेबल uh, है इनक्यूरेबल है तो क्या होगा उस टाइम पर अगर हम उस पेशेंट को जो है अगर पेनलेस देख का एक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं उसे जो uh, और उसी को जो है uh, हम कहते हैं यूथेनेजिया ओके okay, तो ये हो गया उसकी डेफिनेशन नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसके टाइप्स देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ यूथेनेजिया तो देखते तो सबसे पहला जो होता है वो है वॉलेंट्री इसमें क्या होता है डाइंग पर्सन वॉलेंट्री गिवस कंसेंट यहाँ पे जो है जो पर्सन मर रहा है वही वही कंसेंट देता है यूथ के लिए नेक्स्ट जो है नॉन वॉलेंट्री डाइंग पर्सन इज अनेबल और इनकेपेबल टू गिव कंसेंट नेक्स्ट जो है कंपल्सरी सोसाइटी और स्टेट टेक डिसीजन टू टर्मिनेट द लाइफ ऑफ अ प परसन फोर्थ टाइप फोर्थ जो टाइप है हमारा वो है एक्टिव एक्टिव यूथेनीजिया तो इसमें कहता है डॉक्टर कॉजेज पेनलेस डेथ ऑफ अ पर्सन बाय एन एक्टिव एक्ट बाय एन एक्ट ऑफ कमीशन गिविंग लिथल डोज ऑफ बार्बीचूर्ट्स और मॉर्फिन इंजेक्शन टू अ पर्सन सो एज टू कॉज ऑफ डेथ तो इसमें क्या होता है एक्टिव act, so तो यूथेनेजिया uh, में डॉक्टर जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है uh, कुछ कोई भी मेडिकेशन देखे जो है सच एज बारबिचुर और मॉर्फिन इंजेक्शन हाईली डोज अगर लिथल डोज में देते पेशेंट्स को बार्बिचेट्स और मॉर्फिन मॉर्फिन का तो उसकी वजह से कहता है जो हमारा पेशेंट है उसकी डेथ हो जाती है जो कि पेनफुल नहीं होता है तो ये हो गया एक्टिव यूथेनीजिया नेक्स्ट जो है वो है पैसिव डॉक्टर कॉलिस दे पर्सन बाय डूइंग नथिंग टू सेव हिज लाइफ ओके तो इसमें कहते हैं डॉक्टर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है तो इस पैसिव यूथेजिया का एग्जाम्पल क्या है विड्रॉल ऑफ विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट और वेंटिलेशन सपोर्ट नेक्स्ट जो है सिक्स टाइप जो है पेडिट्रिक यूथेजिया तो इसमें क्या होता है युथेजिया एडमिनिस्ट्रेटेड टू चिल्ड्रन और जीडाट्रिक यूथेजिया uh, में क्या होता है इंथोजिया uh,

कौन कौन सेक्शन से में सेक्शन थ्री नॉट टू और सेक्शन थ्री नॉट फोर आई पी सी फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड इज अ क्राइम अंडर द सेक्शन थ्री नॉट सिक्स आई पी सी तो इतनी नजर जो है वो क्राइम है इंडिया में uh, तो किस बेसिस पे जो क्राइम है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐड है आर्टिकल ट्वेंटी वन तो आर्टिकल ट्वेंटी वन क्या करता है इज़ अ राइट ऑफ लाइफ इज ए नेचुरल राइट एक जो है कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं ह्यूमन राइट्स तो उसमें जो है राइट ऑफ लाइफ ये जो है ये एक नेचुरल राइट right है तो ये जो है आर्टिकल 21 में जो है यहाँ पे इम्बॉडिट इंबो, किया गया है तो उसकी वजह से क्या होता है और इंथ्यूसिया जो इसके अगेंस्ट आता है टोटली क्योंकि यहाँ पे जो हम किसी भी इंडिविजुअल्स को जो हमारे कंट्री में है उनको हम राइट ऑफ लाइफ दे रहे हैं तो उसकी वजह जो हम यूथेनेसिया में हम क्या कर रहे हैं अन नेचुरल टर्मिनेशन और एक्सटर्मिनेशन ऑफ द लाइफ इज़ अनकबल इन कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ट्वेंटी तो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे जो एक प, अगर दो परस्पेक्टिव से हम देखें तो एक पॉइंट दो साइड से अगर हम देखें तो एक साइड में जो है यहाँ पे हम राइट ऑफ लाइफ दे रहे हैं कि, किसी भी इंडिविजुअल को जो हमारे कंट्री में रह रहे हैं और जो दूसरी तरफ जो है हम उनकी इथेनेसा के जरिए वही राइट ऑफ लाइफ जो है हम इसको छीन रहे हैं तो ये जो है इस पर इस परस्पेक्टिव से जो है वो यूथेनेसिया जो है वो क्राइम है इंडिया में नेक्स्ट जो है इफ पर्सन इज़ कॉन्शियसली एंड वॉल्ट्रेटली रिफ्यूज टू टेक लाइफ लाइफ सेविंग मेडिके मेडिकल ट्रीटमेंट इट इज नॉट अ क्राइम और इसी दूसरे पर्सपेक्टिव जो हम देखेंगे अगर पर्सन जो है जो कि खुद सफर कर रहा है अनक्यूरेबल हाईली पेनफुल डिजीज से तो वो जो है कॉन्शियसली और वॉलन्ट्रीली अगर रिफ्यूज कर रहा है कि मतलब उसे लाइफ सेविंग जो ट्रीटमेंट है मेडिकेशन जो वो नहीं लेने तो इट्स नॉट अ क्राइम एज पर द एम सी आई प्रैक्टिसिंग वॉलन्ट्री इंथ्यूजिया इज अ अनिथिकल कंडक्ट यहाँ पे जो है एम भी यही कहता है कि वॉल्ट्री इंथ्यूजा जो है अनिथिकल अनकंडक्ट अनिथिकल कंडक्ट करके नेक्स्ट जो है पैथु इंथ्यूजिया इज परमिटेड बट एक्टिव इंथ्यजा इज़ नॉट परमिटेड इंडिया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पैथु इंथ्यूजिया जो है इंडिया में परमिटेड है क्योंकि पर्सन खुद नहीं चाहता कि उसकी लाइफ जो है सस्टेन करे और और एक्टिव इंथ्यजा जो जो है इलीगल है इंडिया में और नदरलैंड और बेल्जियम जैसी कुछ कंट्रीज है यहाँ पे जो है इथनीजा जो है लीगलाइज़ है इंडिया में जो है इतने है